International Watches Collection by Minutes to Style, Martindale Bridge, Ajmer. Nilos, Unisex Salon and Academy, opposite Badar Vidyalay, Vishali Nagar, Ajmer. हम कोटा से आ रहे थे तो रास्ते में जो ट्रेन एग्जाम के लिए आ रहे थे तो स्टेशन से पहले ही ये इंजन जो है पटरी से उतर गया नीचे। अच्छा, इसमें क्या हुआ? कुछ आपने देखा? कुछ हुआ थोड़ी इसमें जी? नहीं, हम तो बस यही देखा, इंजन उतर गया। किसी को कोई लगी है ऐसी कोई सूचना? क्या बोल रहे हैं? हाँ, ऐसी सूचना तो नहीं है अभी तक। ऐसा कोई सूचना थोड़ी किसी को लगी है? हाँ, नहीं आई अभी तक। आपका पैदल जा रहे हैं? हाँ, अब यहाँ पैदल ही जाएंगे यहाँ तक स्टेशन से। आपका नाम बताओ? मिथिलेश। मैं आ रहा हूँ, ये दर्द एक्सप्रेस है जो जबलपुर से अजमेर के लिए आती है। ये अजमेर स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक, लगभग 100 मीटर की दूरी, 100 मीटर से पहले ही जब प्लेटफार्म ले जाने के लिए ट्रेन को क्रॉस किया दूसरी पटरी ले जाने के लिए, तो इसका इंजन पटरी से नीचे उतर गया। जी, किसी से कोई बातचीत हुई आपको? कैसे? नहीं नहीं, कुछ कोई किसी को समस्या नहीं हुई, कोई घटना नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। किसी को लगी होगी? कुछ नहीं लगी, बस इंजन उतरा है और भी गाड़ी बिल्कुल स्लो, लगभग 10-15 की स्पीड में गाड़ी थी, 10-15 की स्पीड में। तेज होती तो नहीं, तो प्लेटफॉर्म पर तेज क्या होने का मतलब ही नहीं है, स्टॉपेज ही है तो उसका ट्रेन का। तो हाँ, सब आगे उतर गए। हेमंत कुमार यादव एडवोकेट। ये जबलपुर अजमेर एक्सप्रेस का जब ट्रेन इंटर हो रही थी तो इसके लोगों के फ्रंट बोगी में एक पॉइंट पे डिरेलमेंट हुआ है। अभी हम इसको सबसे पहले हमारी प्राथमिकता इसको रिस्टोर करें, ट्रैफिक को चालू करें और पैसेंजर को परेशानी ना हो, ये देखें। ये एक इंसिडेंस है जिसको हम एक हाई लेवल कमेटी जाँच करेगी और हमारी अभी तुरंत प्रायोरिटी है कि सब कुछ नॉर्मल ऑपरेशन चले। अभी फिलहाल तो नहीं, पर और बाधित ना हो ये पूरा प्रयास हम कर रहे हैं। कितनी लाइनें ब्लॉक होगी इसके चक्कर में? इसमें दो लाइनें ब्लॉक है, तीन चार लाइनें ब्लॉक है, तीन चार पाँच छः ब्लॉक है, एक दो चालू है और जल्दी इसको चालू करेंगे, तीन चार जल्दी अगले 10-15 मिनट में चालू हो जाएंगे। अब तक कुछ सामने आया किस कारण से हुआ कुछ? अभी तो जांच का विषय है, हमारी प्रायोरिटी पैसेंजर को तकलीफ ना हो वो है सबसे पहले।